स्लोप पे यहाँ पे जियोसेल बिछाई गई है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ के इस पर भी जोड़े लगा दिए जाएंगे। तो गाइस तो ये आप देख सकते हैं भाई अंडरपास के ऊपर ये सेफ्टी वॉल है ना, ताकि सपोर्ट प्रॉपर बनी रहे। तो गाइस चलो भाई, धूप में कैसा लग रहा है? बहुत गर्म ना बोल दे, मस्त लग रहा है। मैं जा रहा हूँ नीचे है ना, तो आपको पूरी जियोसेल में दिखाऊंगा, ठीक है? तो लेट्स गो। राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक व्लॉग्स। तो गाइस रोज की तरह मैं फिर आ गया हूँ गंगा एक्सप्रेस वे पे। और गाइस आज है ना धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो इसकी वजह से भाई मैं कैप लगा के आया हूँ। और गाइस टाइम हो रहा है 11 बज रहे होंगे है ना। तो गाइस आज मैं आपको देता हूँ गंगा एक्सप्रेस की न्यू अपडेट। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ अपने गाँव के अंडरपास के नीचे है ना, जो कि बिनापर से मेरा गाँव लगता है 1 किलोमीटर दूर। तो गाइस उसी अंडरपास के नीचे खड़ा हूँ 190 पे। तो गाइस जाते हैं इससे नीचे निकलते हुए और जाते हैं भाई ऊपर मेन लेन के। दो बच्चे आए हैं ना मेरे गांव की तरफ से, तो ये दो बच्चे भाई मेरे गांव के ही हैं। ऐसे तो आप जानते होगे, तो काफ़ी मेरे ब्लॉग में आया सतेंद्र, और ये भी क्या नाम है, नाम भूल गए यार, ब्रजेश पाल। तो भाई कहाँ जा रहे हो? अरे पे चलो, मैं ब्लॉग बनाने आया, चल रहे मेरे साथ? तो चलते हैं भाई। तो अब हम तीन लोग हो गए हैं ना, तो तीन लोग जा रहे हैं हाईवे पे घूमने है ना, घूमने के इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को है ना। तो गाइस मिलते हैं वहीं मेन हाईवे पे और मेन लेन पे। तो लेट्स गो। तो भाई अंडरपास आप देख सकते हैं, तो यहाँ तो अंडरपास का काम है ना पूरा हो गया है, और इसके ऊपर जो सपोर्ट लगी होती है सेफ्टी वॉल, तो वो भी बनाई जा चुकी है। मैं जाऊँगा इसके ऊपर तो आपको सेफ्टी वॉल भी दिखा दूँगा। गाइस ये आप देख सकते हैं, ये साइड वॉल रही, और मैं जिसकी बात कर रहा था सेफ्टी वॉल की, तो ये आप देख सकते हैं भाई अंडरपास के ऊपर ये सेफ्टी वॉल है ना, ताकि सपोर्ट प्रॉपर बनी रहे। तो गाइस चलते हैं इसके हाईवे की मेन लेन के ऊपर, तो दिखाते हैं भाई आपको है ना कि वॉल कैसी बनी है यहाँ पे। धूप है ना बहुत तेज लग रही है भाई, धूप में कैसा लग रहा है? बहुत गर्म ना बोल दे, मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है, पसीने छूट जाएंगे भाई। गर्मी है ना, धूप पड़ रही है, बड़ी तेज पड़ रही है भाई। मैं तो पूरे इंतजाम के साथ आऊँ कैप लगा के भाई, देख रहे हो इससे चढ़ने में दिक्कत हो रही भाई, मिट्टी मिट्टी पड़ी है। संभाल के आइए, टपक जाओगे नीचे। तो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ओ भाई रपक गए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं भाई, फ्रेम हटके दीवार एकदम बढ़िया स्मूथ हो गई है, और इस पर टाट की बोरी लगा दी गई है ना। ये है ना, ये भींगी रहे और दीवार आसानी से पक सके। और गाइस इस साइड भी आप देख सकते हैं, ये पूरी दीवार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है ना। हाँ और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जो हाईवे का स्लोप है ना, उस पर यहाँ पे जियो सेल डाली गई है। तो अगर आपको नहीं पता जियो सेल क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, जियो सेल होती है ये स्लोप पे बिछाई जाती है, इसके बाद ऊपर से मिट्टी पड़ती है। बिछाने का फ़ायदा क्या होता है इसका, जो स्लोप की मिट्टी है वो कटती नहीं है, है ना, एकदम फंसी रहती है। इससे बारिश में मिट्टी का इरोजन होता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं भाई जियो सेल बिछी हुई, पता होगा जी क्यों लगाई जाती है। हाँ देखो भाई, हमारे यहाँ के बच्चे पता है कि जियो सेल क्यों लगाई जाती है ना। तो ये आप देख सकते हैं भाई, हर एक वाटर ड्रेनेज है ना, उनके बीच में ये जियो सेल लगाई गई है ना। और इस पर अभी थोड़ी देर बाद एक ट्रक आएगा, तो उससे यहाँ पे मिट्टी डाली जाएगी है ना। और मिट्टी फैलाने के लिए एक एक्सकवेटर है, वो सामने चल रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है, सामने एक एक्सकवेटर है, देखो सामने आपको दिख रहा है। तो यही एक्सकवेटर यहाँ पर जो मिट्टी पड़ेगी ना, उसको फैलाएगा। तो भाई नीचे से भी आपको दिखा दूं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नीचे है ना, तो आपको पूरी जियो सेल में दिखाऊंगा, ठीक है? तो लेट्स गो। स्टार्ट यू भाई, आराम से यू ऐलान हो। तो भाई संभाल के जाना है ना, गिरना मत। तो गाइस ये आप देख सकते हैं जियो सेल,
तो इस पे ना झूड़े लगाए जाते हैं, है ना, झूड़े लगाए जाएंगे। अभी मिट्टी पड़ के यहाँ पे झूड़े लगा दिए जाएंगे और सामने आप देख सकते हैं तो वैसी ही घास यहाँ पे लगेगी। तो गाइस वो तो सामने कटैया जमाई है ना, तो वो कटैया नहीं लगाती, वो तो अपने आप ही जमाती है ना। तो इस पे दूब घास लगाई जाएगी, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ भाई, तो ये आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ से ऊँचाई आप देख लो भाई, आराम से ही हो, दांत निकल जाएंगे वरना। बस बस शाबाश। तो मैं आपको हल्के हल्के ये पूरा दिखा दे रहा जियो सेल, ये देख लो गाइस। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि हम ये हाईवे ना हमसे कितना ऊंचा है, तो कितना फिट यहाँ पे ऊंचाई है इसकी, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना सतेंद्र भाई। और बोल दो भाई क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक करें। तो भाई बच्चों ने बोला तो आप कर देना, है ना। तो गाइस ये देख सकते हैं वाटर ड्रेनेज के नीचे यहाँ पे गड्ढा किया गया है। तो इस पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो चैम्बर होते हैं आरसीसी चैम्बर, वो यहाँ पे रखे जाएंगे ताकि पानी स्लोप से बहते हुए हाईवे का पानी नीचे आए, है ना, मिट्टी का कटाव कम हो। तो इसलिए यहाँ पे जो आरसीसी चैम्बर है वो रखे जाएंगे। तो यहाँ दो या तीन पे यहाँ पे नहीं रखे गए, है ना। तो इससे आगे आप देख सकते हैं, देखो दो वाटर ड्रेन बने हुए हैं, तो उनके सामने यहाँ पे चैम्बर आरसीसी के रखे हुए हैं। तो गाइस चलते हैं थोड़ा और आगे और आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पे जियो सेल डाल दी गई है ना, और आगे आप देख सकते हैं, है ना, उससे आगे यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्शन हो गया है। तो यही दो यहाँ पे रह गए थे अंडर पास 191 है ना जी, हाँ 191 पे यहाँ पे रह गए थे ना, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। अब मिट्टी डालने का यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, है ना। तो पूरा ऐसे ही स्लोप का प्रोडक्शन कर दिया गया है, ऐसी घास ये जम रही है तो वैसी घास इस पर भी जम आएगी, इस पर अलग से लगाई जाती घास। ये आप देख सकते हैं भाई, पूरे यहाँ पे स्लोप पे भाई जो कटैया घास होती है ना, वो पूरे पे जमाई है भाई कांटेदार, है ना। तो ये लगाई नहीं गई थी, ये अपने आप ही जमाती है। देखो गाइस ये झूड़े लगाए गए ये वाले, ये तो ये झूड़े जियो सेल के ऊपर लगाए जाते हैं मिट्टी डाल के, और ये तो अपने आप ही जमाती है भाई। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, लग रहा है कि ये फूल भी लगाए गए हैं ना कटैया के। तो भाई ऐसे ही पूरे गंगा एक्सप्रेस स्लोप पे भाई कटैया जमाई है। तो 190 वाले अंडर पास उसके बराबर पूरे पर कटैया है भाई, 190-191 के बीच में सब पे कटैया कटैया है। तो ये अपने आप ही जमाती है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इससे 191 से भी और आगे, है ना। तो चलते हैं वहीं पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो गाइस चलते हैं और आगे, अभी तो अंडर पास 190 के उधर गए थे, 192 की तरफ, 191 की तरफ, अब चल रहे हैं इस साइड, है ना, 190 से 189 की तरफ, है ना। इस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो भाई इस साइड मैंने आपको दिखा दिया जियो सेल पड़ी हुई है। अब आप इस साइड भी देख लो भाई, पूरे स्लोप पे यहाँ पे जियो सेल बिछाई गई है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ के इस पर भी जुड़े लगा दिए जाएंगे। तो गाइस चलते हैं मेन लेन के ऊपर, तो लेट्स गो। है डंपर तो काफ़ी दूर जाने पड़ो ना। हाँ तो चल रहे हैं इधर से दिखाते हुए इधर से निकल जाएंगे फिर, है ना। आ चुके हैं हाईवे की मेन लेन पे भाई, चढ़ चढ़े थक जाते हैं भाई, दूरी बहुत है तो बाइक वगैरह मिलती नहीं, तो हम लोग पैदल आ जाते हैं। मैं देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई, समझे भाई, इतनी दूर आए हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, आप लोगों को दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे की, भाई देख रहे इसी वजह से कैप लगा के आए हम लोग। कह रहे मेरे पास तो कैप ही ना, कोई दिक्कत नहीं, दिलवा देंगे कैप, सही है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, तो भाई यही आरसीसी चैम्बर हैं ये रखे हुए हैं, तो यही वाटर ड्रेनेज हैं, इसके पास में गड्ढा है ना, देखो ये वाला, तो इसी में ये रख दिए जाएंगे नीचे, है उस वाले वाटर ड्रेनेज है, वहाँ पे आरसीसी चैम्बर नहीं रखे गए थे। और देखो यहाँ पे हर एक
तो आरसीसी चैम्बर जो ब्लॉक हैं वो रखे गए हैं, एक ये रखा है ना। और ये देखो भाई सड़क बन गई है, यात्री यहाँ पे बैठे हुए। क्यों भाई कहाँ जाना है? क्यों सत्येंद्र भाई? चंडीगढ़। तो यहाँ क्या कैसे आ गए भाई? यूपी से पार निकलोगे तभी चंडीगढ़ पहुँचोगे। ये एक्सप्रेस वे अभी चालू थोड़ना हुआ है, तुम यहाँ पे इंतजार देख रहे हो बस का है। हाँ गाइस सर्विस रोड स्टार्ट हो गई है ना। कहीं दूर ये आप देख सकते हैं सर्विस रोड पे एक ट्रेलर ट्रक है, उसके ऊपर ये पेवर मशीन जा रही है भाई। तो ये आप देख सकते हैं पेवर भाई, काफ़ी बिग साइज़ की होती है। ये देखो भाई, तो ये भाई लोग हमारे देखो ब्लॉग चला रहे हैं। देखो आप भी ब्लॉग चलाया करें, स्क्रीन पर कुछ दिख ही ना रहा है तो भाई दिखा दिया, कुछ भी ना चल रहा है स्क्रीन पे भाई नेट थोड़ा कम आ रहा है। गाइस आई होप वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटेड वीडियो गंगा एक्सप्रेस की मैं लेकर के आता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दूंगा आपको नई अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।